जय हिंद साथियों। सबसे पहले आपको जानकर अति खुशी होगी कि राजस्थान होमगार्ड डिपार्टमेंट ने 3842 पदों पर वैकेंसियां निकाली है, जिसमें शहरी होमगार्ड और बॉर्डर होमगार्ड दोनों की वैकेंसी है। आज इस वीडियो में मैं आपको फार्म कब भरे जाएंगे, किस तरह से फार्म भरना है, शारीरिक दक्षता की परीक्षाएं कहाँ होगी, फिजिकल में क्या क्या है, तो क्या क्या शर्त है, इसकी मेरिट कैसे बनेगी, इस के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं आपको। तो आप वीडियो पूरा देखें, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जय हिंद साथियों। बॉर्डर होमगार्ड और शहरी और ग्रामीण तीनों की वैकेंसी आ चुकी है। ये विज्ञप्ति है 9 जनवरी की। तो गृह रक्षा समय सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति है ये। इसके टोटल पद हैं 3842। आपको मोटी मोटी जानकारी जल्दी जल्दी दे दूंगा मैं। ये इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 12 जनवरी से और 11 फरवरी के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें आपकी SSO ID के थ्रू फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी बनी हुई है वो ठीक है, नहीं तो आप SSO ID बना सकते हैं। अगला साथियों, इसमें आपका शुल्क है वो सामान्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए ₹250, बाकी अनुसूचित जाति जनजाति EWS के लिए ये ₹200 इसका चार्ज लगेगा आपको। और इसमें आपको शारीरिक परीक्षा का जो माम होगी उसमें आपको ईमेल द्वारा मैसेज पहुंच जाएगा, आपको हार्ड कॉपी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाएगी। वैकेंसियों का अलग अलग बंटवारा है वो इस लिस्ट में है, आप विज्ञप्ति देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं दूंगा। नामांकन हेतु जो 15 दिन पूर्व है ही आपको सूचना दे दी जाएगी, आपका एग्जाम कहाँ होगा, जो परीक्षा है आपकी फिजिकल परीक्षा फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो कहाँ होगी बता दिया जाएगा। ये आरक्षण का शेड्यूल है, इसमें 16% अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति का 12% है, अन्य पिछड़ा का 21 है, और आर्थिक रूप से पिछड़ा 10% है, और MBC का 5% है। महिलाओं के लिए इसमें 30% अलग से आरक्षण दिया गया है। इसी तरह साथियों, भूतपूर्व सैनिक हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों का रिकॉर्ड है वो गुड या एग्जाम्पल ही होना चाहिए, ये वाला अच्छा और या बहुत अच्छा होना चाहिए, उससे कम मंजूर नहीं होगा। और जो सैनिक रिटायर्ड हैं या एक साल में रिटायर्ड होने वाले हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपने एक साल का अगर रिटायरमेंट है एक साल के बाद में, तो वो अपने CO से NO से लेकर इस फॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह से साथियों, इसका मानदेय पर डे के हिसाब से होता है इसका ₹693। बॉर्डर होमगार्ड है और रूरल और डोमेस्टिक है वो ₹590 पर डे के हिसाब से इनका है। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो साथी हैं वो मूल निवास अप्लाई करेंगे, तहसीलदार का बना हुआ होना चाहिए। और जो बॉर्डर होमगार्ड है वो जो कंपनी हेडक्वार्टर है या तहसील हेडक्वार्टर है उससे 25 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर जो आते हैं उनको बॉर्डर में शामिल किया जाएगा। आपकी कम से कम एजुकेशन है वो 8th होनी चाहिए, 8वीं पास आप होने चाहिए, और आयु सीमा है आपकी 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्म 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जनवरी 1988 से के बीच में होना चाहिए। शारीरिक मापदंड है वो आपका न्यूनतम ऊंचाई आपकी हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 12 जिले के जो शहरिया साथी हैं उनका अलग से क्रिटेरिया दे रखा है। और आपका सीना है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुल आउट के बाद में 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर इसमें फुल आउट मांगते हैं, और माताओं बहनों के लिए ये रूल लागू नहीं है। वजन ओपन कैटेगरी में है, पुरुष का लागू नहीं है कितना ही वजन हो सकता है, और माताओं बहनों के लिए महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के जो साथी हैं उनको 5% चेस्ट में छूट दी गई है, छाती में छूट दी गई है। अगर 5 सेंटीमीटर छाती कम है तो भी चलेगा, लेकिन उनकी फुलावट 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरा साथियों, आपकी आंखें 6x6 होनी चाहिए, आंखों का डाउट नहीं रखना, आंखें अच्छी होनी चाहिए, और आपकी शारीरिक कोई विकार दोष नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और बाकी मेडिकल कैटेगरी आपकी आर्मी के जैसे ही पूछ रखा इन्होंने
क्योंकि इसमें नोकनी नहीं होना चाहिए आपको, वेरिकोज नसें फुली होती है वो नहीं होना चाहिए, भेंगापन नहीं होना चाहिए आंखों में, रतौंधी नहीं होना चाहिए, आपका रंग दृष्टि मतलब कलर विजन नहीं होना चाहिए, मधुमेह शुगर नहीं होनी चाहिए आपको, अल्बुमिनूरिया नहीं होना चाहिए आपको, और हकला के बोलते हैं वो वाली बीमारी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट पैर समतल नहीं होना चाहिए आपका, हर्निया जो अंडकोश है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या आपको कहीं बॉडी में कोई सर्जिकल कोई ऑपरेशन हो रखा हो, कोई रोड डली हो, इस प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बॉडी का प्रत्येक पार्ट सही और स्वस्थ होना चाहिए, कोई कटा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे उंगली कटी हुई है, नाखून कटा हुआ है तो आपका अलाउ नहीं करेंगे। इसमें साथियों नामांकन के लिए अयोग्यताएं क्या क्या कमियां हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो साथीगण उनके लिए, तो किसी ने भी दो शादी नहीं की हुई होनी चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर शादी कर रखी है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इसमें, और मैरिज सर्टिफिकेट आपको इसमें साथ में देना पड़ेगा। किसी भी दहेज प्रथा के केस में उनका नाम शामिल नहीं होना चाहिए। किसी भी ऐसे मुकदमे में जिसमें उनको सजा मिली हो या उनका केस विचाराधीन हो वो साथी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इसमें। अगर कोई तथ्य छुपाने में या 420 के केस में कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित है तो उस पर केस लग सकता है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अभी नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया का जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चाहिए आपको, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र हो गया आपका 8वीं का 10वीं का 12वीं का, मूल निवास हो गया, आयु प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो सकता है, विशेष योग्यता में आगे बताऊंगा क्या क्या चीज़ें शामिल होगी, जाति प्रमाण पत्र हो गया आपका, जनजाति प्रमाण पत्र, महिला अगर विधवा है तो उनका हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर डिवोर्सी हैं तो जो जिला कोर्ट है उनसे डिवोर्स का लेटर है वो साथ में होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक है वो अपना सेवानिवृत्ति का डिस्चार्ज बुक है वो साथ में होनी चाहिए। और आप पीईटी के लिए जाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए जाते हैं, तो आपको सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर से आपको लिखवा के ले जाना पड़ेगा कि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ। आवेदक दो फोटो साथ में ले जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर की रंगीन फोटो वहाँ पे आपको इस्तेमाल होगी। प्रथम चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसमें क्या क्या क्रिटेरिया वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जो युवा साथी हैं पुरुष हैं उनका 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, 15 अंक हैं, अगर आप 3.5 मिनट में क्रॉस करते हैं, 3:45 में करते हैं तो 10 अंक है, 4 मिनट में करते हैं तो 5 अंक है, और 4 मिनट से अधिक लगते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा उसमें। सेम महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है और 3 मिनट 30 सेकंड के बीच में अगर रनिंग क्लियर करते हैं तो 15 मिनट का वक्त है, 15 अंक मिलेंगे आपको। अगर 3 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो 10 अंक मिलेंगे और 4 मिनट 10 सेकंड में करते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 10 सेकंड के बाद में अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। सेम इसमें फिजिकल 25 नंबर का होता है, 15 नंबर की दौड़ हो गई। अभी पुरुषों के लिए 10 नंबर की है चिन्ह, 10 नंबर 10 लगाएंगे 10 हैं, 7 3 अंक लगाएंगे 7 अंक हैं, 5 लगाएंगे तो 5 हैं, और 5 से कम लगाएंगे तो फेल है। सेम महिलाओं में 16 फीट का गोला फेंके तो 16 फीट फेंकेंगे तो 10 अंक मिलेंगे, 15 फीट फेंकेंगे तो 7 अंक हैं, और 14 फीट फेंकेंगे तो 5 अंक हैं, और 14 से कम में आप फेल हैं। तो इस तरह से जो 0 नंबर जिसका भी किसी भी चीज़ में आता है तो वो आगे क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ में कहीं नाइंसाफी हुई तो आप 500 रुपये का बॉन्ड भर के आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। अब तीसरे चरण में साथियों इसमें क्या है, विशेष योग्यताओं में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है, ये 20 अंक का होता है डॉक्यूमेंट प्रक्रिया ये। अब डॉक्यूमेंट में टोटल 20 नंबर का एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे जिसमें जैसे नेशनल सर्टिफिकेट हो गया NCC का, A के 2 अंक है, B के 4 है और C के 6 अंक है। RKCL कंप्यूटर संबंधित को डिप्लोमा कर रखा है तो उसके आपको 4 अंक मिल जाएंगे। अगर आपने ITI कर रखी है तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे, वो ITI इलेक्ट्रिक फीडर प्लम्बर ये सब चीज़ें शामिल है इसमें। खेलों में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बच्चा खेला हुआ है तो उसको 4 अंक मिल जाएंगे, अगर राज्य स्तर पर खेला हुआ है तो उसको 2 अंक मिल जाएंगे। स्काउट किसी बच्चे के पास में है तो राष्ट्रपति पुरस्कार को 4 अंक है, राज्य पुरस्कार को 3 अंक है और तृतीय सोपान उत्तीर्ण कर रखा है तो 2 अंक मिलेंगे। अगर लाइट व्हीकल का लाइसेंस है उनके पास में तो
दो अंक मिलेंगे और हेवी है तो चार अंक मिल जाएंगे। चौथा चरण है साथियों मौखिक व्यक्तित्व प्रशिक्षण। आपकी वर्बली इंटरव्यू होगा, मौखिक इंटरव्यू होगा, उसमें आपको 5 नंबर का मार्किंग किया जाएगा। अब नामांकन में ये पूरा का पूरा सेटअप आपका 50 नंबर का होगा, 25 इसमें आपके फिजिकल के होंगे, 20 आपके विशेष योग्यता जिसमें डॉक्यूमेंट आ गए आपके, और 5 नंबर आपके आगे इंटरव्यू के मौखिक के, 50 नंबर का ये टोटल आपका मेट बनेगा इसमें। उसके बाद तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट्स जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।